दोस्तों हमारे YouTube चैनल एम एच के एस मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और हार्डवेयर सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो है। और जियो F320 का जो माइक है एक्चुअल में जैसे प्रिंट निकल जाना, अगर यहाँ से ये डैमेज हो, ज़्यादातर अभी फ़ोन जो जितने भी आ रहे हैं उसमें ये डैमेज हो जा रहा है वाटर डैमेज के कारण, और यहाँ से ओपन हो जा रहा है और डेटा का सिग्नल, ठीक है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ इसका कहाँ जम्पर जाएगा, कैसे क्या क्या जाने वाला है जम्पर। इसमें जो है ओनली फॉर ओनली मैं इसमें जम्पर पिक दिखाऊंगा और जम्पर मैं बताऊंगा किस से किसके कंपोनेंट पे जम्पर जाए। अगर ये ओपन हो गया तो कहाँ जम्पर हम देंगे तो आपका काम हो जाएगा, अगर ये ओपन हो जाए तो कहाँ जम्पर देंगे, अगर यहाँ से ओपन हो जाए तो क्या जम्पर देंगे, और ये जो क्लॉक है क्लॉक अगर ओपन हो जाए तो कहाँ से जम्पर देंगे फिर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था और मैं उसमें और भी इसमें सोचा और क्लैरिटी के साथ आपको वीडियो बना दूं। अगर इसका आपको पिक चाहिए, इसका फ़ोटो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने वेबसाइट का, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक दे दूंगा और इसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप समझते हैं इसका जम्पर कहाँ जाएगा और किसका जम्पर। ये देखिए ग्राउंड का तो आप जानते ही हैं, ग्राउंड कहीं भी होता है ग्राउंड जम्पर ओपन होगा ही नहीं, अगर होता है तो आपको पता है कहाँ से कहाँ जम्पर करेंगे। अब आता है बात VDD और डाटा VDD और क्लॉक का, ठीक है। डाटा VDD और क्लॉक का, ये हुआ डाटा और ये हुआ VDD और ये हुआ क्लॉक, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसमें जम्पर में दिखाता हूँ, डाटा VDD क्लॉक, डाटा का ये VDD का ये क्लॉक का, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये देख लीजिए, आप ये जो डाटा को देख रहे होंगे, ये जो डाटा को आप देख पा रहे होंगे, इसका जम्पर जो है इजीली आप यहाँ से अगर ओपन आ रहा हो तो आपको यहाँ से जाना है, अगर या तो प्रिंट निकल गया हो तो आपको यहाँ जाना है। ये देख लीजिए यहाँ से आपको एक रजिस्टर मिल जाता है यहाँ से, और दूसरा रजिस्टर यहाँ तक मिल जाता है, और यहाँ से एक इनेबल हो जाता है। बोलने का मतलब यहाँ से जैसे ट्रैक आता है तो यहाँ से निकलता है और यहाँ होते हुए ये IC के अंदर यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से ओपन हो जाए तो आप यहाँ से जम्पर इजीली मार सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट IC के साइड से मारिएगा तो ओपन होने का चांस नहीं रहेगा, यहाँ से आप जम्पर मारिएगा। उसके बाद आता है ये VDD का लाइन, ठीक है। तो VDD को थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि VDD जो है मेन लाइन होता है। VDD में बहुत बार देखा गया कि ये जो है रजिस्टर जो होता है, ये कॉइल या रजिस्टर है कुछ, कॉइल ही है ये, तो ये क्या हो जा रहा है कि वाटर डैमेज या पानी जाने के कारण हेडफोन से जैसे जाता हो, यहाँ से पानी जाने के कारण ये ओपन हो जा रहा हो। मैंने पहले वीडियो ही बना, मेरे पास 2-3 फ़ोन पड़ा हुआ है सेम इसी कंडीशन का और यही डैमेज था, तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा वो भी वीडियो, ठीक है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड, अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो ईजिली आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं इसका जम्पर जो है आपको यहाँ से, ये देख लीजिए यहाँ आता है कैपेसिटर पर, कैपेसिटर के बाद रजिस्टर, फिर रजिस्टर, उसके बाद ये कॉइल पे जाता है, ठीक है। कॉइल के बाद आपको यहाँ से आने के बाद ये देख लीजिए, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, मैं इसको जूम कर दिया हूँ, EMMC के जस्ट साइड में ये है, ठीक है। ये देखिए EMMC के जस्ट साइड में आपको देखने को ये मिल जाएगा, ज़्यादा जूम करके मैं दिखाने के लिए किया हूँ। यहाँ से यहाँ जम्पर दे देना है इसका, ठीक है। ये देख लीजिए आपको यहाँ से जम्पर लेना है, अगर यहाँ से ओपन हो जाए तो आपको यहाँ एक जम्पर लगा देना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ से जम्पर दे देना है आपको, ठीक है। यहाँ से जम्पर दे देना डायरेक्ट यहाँ तक, या तो यहाँ भी दे सकते हैं इस कैपेसिटर पे और यहाँ से इस कैपेसिटर पे, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्लॉक, ये वाला लाइन आपको देखने को यहाँ से यहाँ जाइएगा क्लॉक, ये देख लीजिए मैंने पूरा वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीका से बनाया हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए ये रजिस्टर से होते हुए यहाँ जाता है और इस रजिस्टर से यहाँ होते हुए ऐसे करके इस IC के अंदर ये आपको दिख रहा होगा अंदर चला जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ फ्रेंड, ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, अगर कुछ भी सीखने को मिला और अगर आपका हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिखे उसे भी दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाता रहता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।